इस्माइल बिन जाफर ने अबू सुहेल से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालिक के हदीस की तरह रिवायत की, सिवाय इसके कि कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हुआ उसके बाप की कसम अगर उसने सच कर दिखाया, या फरमाया जन्नत में दाखिल होगा उसके बाप की कसम अगर उसने सच कर दिखाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 101। हाशिम बिन कासिम अबू नजर ने कहा, हमें सुलेमान बिन मुगीरा ने साबित के हवाले से यह हदीस सुनाई। उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर जरूरी तौर पर किसी चीज के बारे में सवाल करने से रोक दिया गया, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि कोई समझदार बादी नशी आपकी खिदमत में हाजिर हो और आपसे सवाल करे और हम भी जवाब सुने। चुनाचे एक बदवी आया और कहने लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कासिद हमारे पास आया था, उसने हमसे कहा कि आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। आपने फरमाया उसने सच कहा। उसने पूछा आसमान किसने बनाया है? आपने जवाब दिया अल्लाह ने। उसने कहा जमीन किसने बनाई? आपने फरमाया अल्लाह ने। उसने सवाल किया ये पहाड़ किसने गाड़े हैं और इनमें जो कुछ रखा है किसने रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने। बदवी ने कहा उस जात की कसम है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई और ये पहाड़ नस्ब किए, क्या अल्लाह ही ने आपको रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया हाँ। उसने कहा आपके कासिद ने बताया है कि हमारे दिन और रात में हमारे जिम्मे 5 नमाजें हैं। आपने फरमाया उसने दुरुस्त कहा। उसने कहा उस जात की कसम जिसने आपको भेजा है, क्या अल्लाह ही ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने जवाब दिया हाँ। उसने कहा आपके एलजी का ख्याल है कि हमारे जिम्मे हमारे मालों की जकात है। आपने फरमाया उसने सच कहा। बदवी ने कहा उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ही ने आपको यह हुक्म दिया है? आपने जवाब दिया हाँ। अराबी ने कहा आपके एलजी का ख्याल है कि हमारे साल में हमारे जिम्मे माह रमजान के रोजे हैं। आपने फरमाया उसने सही कहा। उसने कहा उस जात की कसम जिसने आपको भेजा है, क्या अल्लाह ही ने आपको इसका हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। वो कहने लगा आपके भेजे हुए कासिद का ख्याल है कि हम पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है, उस शख्स पर जो उसके रास्ते को तय करने की इस्तेदात रखता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा फिर वो वापस चल पड़ा और चलते चलते कहा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इन पर कोई इजाफा करूंगा ना इनमें कोई कमी करूंगा। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसने सच कर दिखाया तो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 102। बास ने कहा हमें सुलेमान बिन मुगीरा ने साबित से हदीस सुनाई और उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा हमें कुरान मजीद में इस बात से मना कर दिया गया कि बिला जरूरत किसी चीज के बारे में आपसे सवाल करें। उसके बाद बास ने इसी हदीस की मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 103। अमर बिन उस्मान ने कहा हमें मूसा बिन तलहा ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा मुझे हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे जब एक आराबी यानी देहाती आपके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आपकी ऊँटनी की मुहार या नकील पकड़ ली, फिर कहा ऐ अल्लाह के रसूल या ऐ मुहम्मद, मुझे वो बात बताइए जो मुझे जन्नत के करीब और आग से दूर कर दे। अबू अय्यूब ने कहा
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम रुक गए, फिर अपने साथियों पर नजर दौड़ाई, फिर फरमाया, इसको तौफीक मिली या हिदायत मिली? फिर बदबी से पूछा, तुमने क्या बात की? उसने अपनी बात दोहराई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। अब ऊंटनी को छोड़ दो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 104। मोहम्मद बिन उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब और उनके वालिद उस्मान दोनों ने मूसा बिन तलहा से सुना, वो हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिका हदीस की मानिंद बयान करते थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 105। यहया बिन यहया तमीमी और अबू बकर बिन अबी शैबा ने कहा, हमें अबू अहवस ने हदीस बयान की, उन्होंने अबू इसहाक से, उन्होंने मूसा बिन तलहा से और उन्होंने हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के पास आया और पूछा, मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिस पर मैं अमल करूं तो वो मुझे जन्नत के करीब और आग से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह की बंदगी करे, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, नमाज की पाबंदी करे, ज़कात अदा करे और अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। जब वो पीठ फेर कर चल दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने इन चीजों की पाबंदी की जिनका उसे हुक्म दिया गया है तो जन्नत में दाखिल होगा। इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है, अगर उसने इसकी पाबंदी की तो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 106। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब मैं उस पर अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो जो तुम पर लिख दी गई है, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। वो कहने लगा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं न कभी इस पर किसी चीज का इजाफा करूंगा और न इसमें कमी करूंगा। जब वो वापस जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इस बात से खुशी हो कि वो एक जन्नती आदमी देखे तो वो इसे देख ले। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 107। अबू मुआविया ने आमश से हदीस सुनाई, उन्होंने अबू सुफियान से और उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुमान बिन कौकल रजी अल्लाह अन्हु आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप क्या फरमाते हैं कि जब मैं फर्ज नमाज अदा करूं, हराम को हराम और हलाल को हलाल समझूं तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, हाँ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 108। शैबान ने आमश से, उन्होंने अबू साले और अबू सुफियान से और उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, नुमान बिन कौकल रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, फिर उस साहब का रिवायत की तरह है और उसमें यह इजाफा किया और उस पर किसी चीज का इजाफा न करूंगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 109। अबू जुबैर ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, आप क्या फरमाते हैं जब मैं फर्ज नमाजें अदा करूं और रमजान के रोजे रखूं और हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूं और उस पर कुछ इजाफा ना करूं तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? आपने फरमाया, हाँ। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस अमल पर कोई इजाफा नहीं करूंगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 110।
अबू खालिद सुलेमान बिन हय्यान अहमर ने अबू मालिक अशजाई से, उन्होंने साद बिन उबैदा से, उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है, अल्लाह को यकता करार देने, नमाज कायम करने, जकात अदा करने, रमजान के रोजे रखने और हज करने पर। एक शख्स ने कहा कि हज करने और रमजान के रोजे रखने पर? इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, रमजान के रोजे रखने और हज करने पर। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से यह बात इसी तरह यानी इसी तरतीब से सुनी थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 111। यहया बिन जकरिया ने हमें हदीस बयान की, कहा मुझे साद बिन तारिक यानी अबू मालिक अशजाई ने हदीस बयान की, वो हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है, इस पर कि अल्लाह की इबादत की जाए और उसके सिवा हर किसी की इबादत से इनकार किया जाए, नमाज कायम करने, जकात देने, बैतुल्लाह का हज करने और रमजान के रोजे रखने पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 112। आसिम बिन मोहम्मद बिन जैद अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद से हदीस बयान की, कहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच रुकनों पर रखी गई है, इस हकीकत की यानी दिल, जुबान और बाद में जिक्र किए गए बुनियादी आमाल के जरिए से गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, नमाज कायम करना, जकात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमजान के रोजे रखना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 113। इकरिमा बिन खालिद ताउस को हदीस सुना रहे थे कि एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, क्या आप जिहाद में हिस्सा नहीं लेते? उन्होंने जवाब दिया, बिलाशुबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है, इस हकीकत की गवाही देने पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज कायम करने, जकात अदा करने, रमजान के रोजे रखने और बैतुल्लाह का हज करने पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 114। खलफ बिन हिशाम ने बयान किया, कहा हमें हम्माद बिन जैद ने अबू जमरा से हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना, नीज यहया बिन यहया ने कहा, अल्फाज उन्हीं के हैं, हमें अब्बाद बिन अब्बाद ने अबू जमरा से खबर दी कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल कैस का वफद आया, वो लोग कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम लोग यानी बनू रबिया का यह कबीला है, हमारे और आपके दरमियान कबीला मुजर के काफिर हायल हैं और हम हुरमत वाले महीने के सिवा बहिफाजत आप तक नहीं पहुंच सकते, लिहाजा आप हमें वो हुक्म दीजिए जिस पर खुद भी अमल करें और जो पीछे हैं उनको भी उसकी दावत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चार चीजों का हुक्म देता हूं और चार चीजों से रोकता हूं, यानी जिनका हुक्म देता हूं वो है अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फिर आपने उनके सामने ईमान बिल्ला की वजाहत की, फरमाया इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल यकीन अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, जकात अदा करना और जो माल गनीमत तुम्हें हासिल हो उसमें से खुम्स यानी पांचवा हिस्सा अदा करना, और मैं तुम्हें रोकता हूं कद्दू के बर्तन, सब्ज घड़े, लकड़ी के अंदर से खोद कर बनाए हुए बर्तन और ऐसे बर्तनों के इस्तेमाल से जिन पर तारकोल मला गया हो। खलफ ने अपनी रिवायत में यह इजाफा किया,
इस सच्चाई की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसे उन्होंने उंगली के इशारे से एक शुमार किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 115। शोबा ने अबू जमरा से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और दूसरे लोगों के दरमियान तर्जुमान था। उनके पास एक औरत आई, वो उनसे घड़े की नबीज के बारे में सवाल कर रही थी, तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल कैस का वफद आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सा वफद है, या फरमाया ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, रबिया कबीला से हैं। फरमाया, इस कौम या वफद को खुशामदेद जो रुस्वा हुए ना नादिम। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, उन लोगों ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, हम लोग आपके पास बहुत दूर से आते हैं, हमारे और आपके दरमियान मोजर के काफिरों का यह कबीला हाइल है, हम किसी हुरमत वाले महीने के सिवा आपके पास नहीं आ सकते, आप हमें फैसला कुन बात बताइए जो हम अपने घरों में पीछे लोगों को भी बताएं और इसके जरिए से हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बताया, आपने इन चार बातों का हुक्म दिया और चार चीजों से रोका। आपने उनको अकेले अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दिया और पूछा, जानते हो सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, जकात देना, रमजान के रोजे रखना, और ये कि तुम माले गनीमत में से उसका पांचवा हिस्सा अदा करो, और उन्हें खुश कद्दू से बनाए हुए बर्तन, सब्ज मटके और तारकोल मिले हुए बर्तन इस्तेमाल करने से मना किया। शोबा ने कहा, अबू जमरा ने शायद नकीर यानी लकड़ी में खुदाई करके बनाया हुआ बर्तन कहा, या शायद मुकय्यर यानी तारकोल मिला हुआ बर्तन कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको खूब याद रखो और अपने पीछे वालों को बता दो। अबू बकर बिन अबी शाइबा की रिवायत में मिन वराइकुम के बजाय मन वराअकुम यानी उनको बताओ जो तुम्हारे पीछे हैं के अल्फाज हैं, और उनकी रिवायत में मुकय्यर का जिक्र नहीं बल्कि नकीर का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 116। उर्रा बिन खालिद ने अबू जमरा से हदीस बयान की। उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शोबा की साबका रिवायत की तरह हदीस बयान की। उसके अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस नबी से मना करता हूं जो खुश कद्दू के बर्तन, लकड़ी से तराशीदा बर्तन, सब्ज मटके और तारकूल मिले बर्तन में तैयार की जाए, उसमें ज्यादा खमीर उठने का खदशा है जिससे नबी शराब में बदल जाती है। इब्ने मुआज ने अपने वालिद की रिवायत में इजाफा किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस के पेशानी पर जख्म वाले शख्स यानी अशज से कहा, तुम में दो खूबियां हैं जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाता है, अक्ल और तहम्मुल। सही मुस्लिम हदीस नंबर 117। इस्माइल इब्ने उलैया ने कहा, हमें सईद बिन अबी अरूबा ने कतादा से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे उस शख्स ने बताया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले अब्दुल कैस के वफ़ से मिले थे। सईद ने कहा, कतादा ने अबू नजरा का नाम लिया था, ये वफ़ से मिले थे, और तफसील हजरत अबू सईद से सुनकर बयान की। उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत की कि अब्दुल कैस के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, हम रबिया के लोग हैं, हमारे और आपके दरमियान मुजर के काफिर हायल हैं, और हम हुरमत वाले महीनों के अलावा आपकी खिदमत में नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप हमें वो हुक्म दीजिए जो हम अपने पिछलों को बताएं, और अगर उस पर अमल कर लें तो हम सब जन्नत में दाखिल हो जाएं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चार चीजों का हुक्म देता हूँ और चार चीजों से रोकता यानी हुक्म देता हूँ कि अल्लाह ताला की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात देते रहो, रमजान के रोजे रखो और गनीमतों का पांचवा हिस्सा अदा करो। और चार चीजों से मैं तुम्हें रोकता हूँ, खुश कद्दू के बर्तन से, सब्ज मटके से, ऐसे बर्तन से जिसको रोगने जफ़त यानी तारकूल लगाया गया हो, और नकीर यानी लकड़ी के तराशे हुए बर्तन से। उन लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपको नकीर के बारे में क्या इल्म है? फरमाया, क्यों नहीं, ये तना है, तुम उसे अंदर से खोखला करते हो, उसमें मिली जुली छोटी खजूरें डालते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर जब उसका जोश यानी खमीर उठने के बाद झाग खत्म हो जाता है तो उसे पी लेते हो, यहां तक कि तुम में से एक या उनमें एक अपने चचा जात को तलवार का निशाना बनाता है। अबू सईद ने कहा, लोगों में एक आदमी था जिसको इसी तरह एक जख्म लगा था। उसने कहा, मैं शर्मो हया की बिना पर इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा रहा था। फिर मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, तो हम किस चीज में पिया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े की उन मशकों में पियो जिनके मुंह धागे वगैरह से बांध दिए जाते हैं। अहले वफ़द बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी जमीन में चूहे बहुत हैं, वहां चमड़े के मशकीज़े नहीं बच पाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे उन्हें चूहे खा जाएं, चाहे उन्हें चूहे खा जाएं, चाहे उन्हें चूहे खा जाएं, कहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस के उस शख्स से जिसके चेहरे पर जख्म था फरमाया, तुम्हारे अंदर दो ऐसी खूबियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, अक्ल और तहम्मुल। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 118। इब्ने अबी आदी ने सईद के हवाले से कतादा से रिवायत की, उन्होंने कहा, मुझे अब्दुल कैस के वफ से मुलाकात करने वाले एक से जायद अफराद ने बताया और उनमें से अबू नजरा का नाम लिया। अबू नजरा ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि जब अब्दुल कैस का वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फिर इब्ने उलैया के हदीस के मानित रिवायत बयान की, अलबत्ता उसमें ये अल्फाज हैं, तुम उसमें मिली जुली खजूरें, आम खजूरें और पानी डालते हो। और इब्ने अबी आदी ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज जिक्र नहीं किए कि सईद ने कहा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ खजूरें डालते हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 119। अबू कज़ा ने खबर दी कि अबू नजरा ने उन्हें और हसन दोनों को खबर दी कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने उन्हें अबू नजरा को बताया कि जब अब्दुल कैस का वफ्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमें अल्लाह ताला आप पर कुर्बान करे, पीने की चीजों में से हमारे लिए कौन सी सही है? आपने जवाब दिया, खोखली की हुई लकड़ी के बर्तन यानी नकीर में न पियो। वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला हमें आप पर निसार करे, क्या आप ये भी जानते हैं कि नकीर क्या है? फरमाया, हाँ, दरख्त का तना जिसको दरमियान से खोखला कर लिया जाता है, इसी तरह खुश कद्दू के बर्तन और सब्ज घड़े में न पियो, अलबत्ता मुंह बंधे हुए मशकीजों को अपना लो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 120। अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू कुरैब और इसहाक बिन इब्राहिम सब ने वकीय से हदीस सुनाई। अबू बकर ने कहा, वकीय ने हमें जकरिया बिन इसहाक से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे याहिया बिन अब्दुल्ला बिन सैफी ने अबू माबद से हदीस सुनाई। उन्होंने सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से और उन्होंने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। अबू बकर ने कहा, बाज़ुकात वकी कहा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और फरमाया, तुम अहले किताब के कौम के पास जा रहे हो, उन्हें इसकी गवाही देने की दावत दो
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर वो इसमें तुम्हारी इताअत करें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर हर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। अगर वो इसे मान ले तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर सदका यानी जकात फर्ज किया है, जो उनके मालदार लोगों से लिया जाएगा और उनके मोहताजों को वापस किया जाएगा। फिर अगर वो इस बात को कबूल कर लें तो उनके बेहतरीन मालों से एहतराज करना यानी जकात में सबसे अच्छा माल वसूल न करना और मजलूम की बददुआ से बचना, क्योंकि उस बददुआ के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 121। बिशर बिन सारी और अबू आसिम ने जकरिया बिन इसहाक से खबर दी कि यहया बिन अब्दुल्ला बिन सैफी ने अबू माबद से और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुआज रजी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा तो फरमाया, तुम कुछ लोगों के पास पहुंचोगे। आगे वकी की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 122। इस्माहील बिन उबैया ने यहया बिन अब्दुल्ला बिन सैफी से, उन्होंने अबू माबद से और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा तो फरमाया, तुम एक कौम के पास जाओगे जो अहले किताब हैं, तो सबसे पहली बात जिसकी तरफ तुम्हें उनको दावत देनी है अल्लाह ताला की इबादत है। जब वो अल्लाह को पहचान ले तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके दिन और रात में उन पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। जब वो उस पर अमल पैरा हो जाए तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फर्ज की है, जो उनके मालदारों के अमवाल से लेकर उनके फुकरा को दी जाएगी। जब वह इसको मान ले तो उनसे ज़कात लेना और उनके ज्यादा कीमती अमवाल से एहतराज करना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 123। जनाब उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई और आपके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए तो अरबों में से काफिर होने वाले काफिर हो गए और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मानईन ज़कात से जंग का इरादा किया तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, आप उन लोगों से कैसे जंग करेंगे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई करूं यहां तक कि वो ला इलाह इल्लल्लाह का इकरार कर लें। बस जो कोई ला इलाह इल्लल्लाह का कायल हो गया उसने मेरी तरफ से अपनी जान और अपना माल महफूज कर लिया, इल्ला ये कि इस ला इलाह इल्लल्लाह का हक हो और उसका हिसाब अल्लाह ताला पर है। उस पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं उन लोगों से जंग करूंगा जो नमाज और जकात में फर्क करेंगे, क्योंकि जकात के माल में अल्लाह का हक है। अल्लाह की कसम अगर ये लोग ऊंट का पांव बांधने की रस्सी भी रोकेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उसके रोकने पर भी उनसे जंग करूंगा। उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अल्लाह की कसम असल बात इसके सिवा और कुछ नहीं कि मैंने देखा अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का सीना जंग के लिए खोल दिया तो मैं जान गया कि हक यही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 124। सईद बिन मुसैयब ने बयान किया कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहां तक कि वो ला इलाह इल्लल्लाह के कायल हो जाएं। चुनाचे जो ला इलाह इल्लल्लाह का कायल हो गया उसने मेरी तरफ से अपना माल और अपनी जान महफूज कर ली, इल्ला ये कि इस इकरार का हक हो और उस शख्स का हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 125। अब्दुर्रहमान बिन याकूब ने
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں، چنانچہ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 126۔ اعمش نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نیز اعمش ہی نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے۔ سعید بن مسیب کی حدیث کی طرح جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 127۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 128۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس حقیقت کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون جان اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 129۔ مروان فزاری نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق اشجعی سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 123۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 131۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
ये आयत नाजिल फरमाई। नबी, और ईमान लाने वालों के लिए जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें, खा वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उनके सामने वाज़े हो चुका कि वो यानी मुशरिकीन जहन्नुमी हैं। अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में ये आयत भी नाजिल फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, ऐ नबी, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे देता है और वो सीधी राह पाने वालों के बारे में ज्यादा आगाह है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 132। मामर और साले दोनों ने जोहरी से उनकी साबका सनद के साथ यही रिवायत बयान की। फर्क यह है कि साले की रिवायत फअंज़लल्लाहु फी, इसके बारे में अल्लाह ताला ने आयत उतारी पर खत्म हो गई। उन्होंने दो आयतें बयान नहीं की। उन्होंने अपनी हदीस में यह भी कहा कि वो दोनों यानी अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया यही बात दोहराते रहे। मावर की रिवायत में अल मकालता यानी बात के बजाय अल कलिमा यानी कलिमा है, वो दोनों उनके साथ लगे रहे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 133। मरवान बिन यजीद से जो कहसान के बेटे हैं हदीस सुनाई। उन्होंने अबू हाजिम से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की मौत के वक्त उनसे कहा, ला इलाह इल्लल्लाह कह दें, मैं क़यामत के दिन आपके लिए इसके बारे में गवाही दूंगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, कहा उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबबत, बेशक आप जिसे चाहें राह रास्त पर नहीं ला सकते। आयत के आखिर तक। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 134। यहया बिन सईद ने कहा हमें यजीद बिन कैसान ने हदीस सुनाई। उसके बाद मजकूरा सनद के साथ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं क़यामत के दिन आपके लिए इसके बारे में गवाह बन जाऊंगा। उन्होंने जवाब में कहा, अगर मुझे यह डर ना होता कि कुरैश मुझे आर दिलाएंगे यानी कहेंगे कि इसे मौत की घबराहट ने इस बात पर आमादा किया है, तो मैं ये कलमा पढ़कर तुम्हारी आंखें ठंडी कर देता। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी आप जिसे चाहते हो उसे राह रास पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे राह रास पर ले आता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 135। इस्माइल बिन इब्राहिम यानी इब्न उलैया ने खालिद हज्जा से रिवायत की। उन्होंने कहा मुझे वलीद बिन मुस्लिम ने उमरान से, उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया और वो यकीन के साथ जानता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 136। इब्ने उलैया के बजाय बिशर बिन मुफज्जल ने भी खालिद हज्जा से यही रिवायत बयान की। उन्होंने वलीद अबू बिशर से रिवायत की। उन्होंने कहा मैंने हुमरान से सुना। उन्होंने कहा मैंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते थे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। उसके बाद बिल्कुल साबका रिवायत की तरह बयान किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 137। तलहा बिन मुसर्रिफ ने अबू सालेह से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा हम एक सफर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लोगों के ज़ादे राह खत्म हो गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की कुछ सवारियां यानी ऊँटों को ज़िबह करने का इरादा फरमा लिया। उस पर उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, लोगों का जो ज़ादे राह बच गया है अगर आप उसे जमा फरमा लें और अल्लाह ताला से उस पर बरकत की दुआ फरमाएं तो बेहतर होगा। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। गंदम वाला अपनी गंदम लाया और खजूर वाला अपनी खजूर लाया। तलहा बिन मुसर्रिफ ने कहा
मुजाहिद ने कहा, जिसके पास गुठलियां थे वो गुठलियां ही ले आया। मैंने मुजाहिद से पूछा, गुठलियों का लोग क्या करते थे? कहा, उनको चूस कर पानी पी लेते थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस थोड़े से ज्यादा राह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो फिर यहां तक हुआ कि लोगों ने ज्यादा राह के अपने लिए बर्तन भर लिए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। जो बंदा भी इन दोनों शहादतों के साथ इनमें शक किए बगैर अल्लाह से मिलेगा वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 138। आमश ने अबू साले से, उन्होंने यानी आमश को शक है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो या हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत की कि गज़वे तबूक के दिन सफर में लोगों को ज़ादेरा खत्म हो जाने के बिना पर फाके लाहक हो गए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम पानी ढोने वाले ऊंट ज़िबा कर लें, उनका गोश्त खाएं और उनकी चर्बी तेल बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कर लो। कहा, इतने में उमर रजी अल्लाह अन्हु आ गए और अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अगर आपने ऐसा किया तो सवारियां कम हो जाएंगी, इसके बजाय आप सब लोगों को उनके बचे हुए ज़ादेरा समेत बुलवा लीजिए, फिर उस पर उनके लिए अल्लाह से बरकत की दुआ कीजिए, उम्मीद है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु या अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपने चमड़े का एक दस्तरखान मंगवा कर बिछा दिया, फिर लोगों का बचा हुआ ज़ादेरा मंगवाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु या अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कोई मुट्ठी भर मकई, कोई मुट्ठी भर खजूर और कोई रोटी का टुकड़ा लाने लगा, यहां तक कि उन चीजों से दस्तरखान पर थोड़ी सी मकदार जमा हो गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु या अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बरकत की दुआ फरमाई, फिर लोगों से फरमाया, अपने अपने बर्तनों में डालकर ले जाओ। सबने अपने अपने बर्तन भर लिए, यहां तक कि उन्होंने लश्कर के बर्तनों में कोई बर्तन भरे बगैर न छोड़ा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु और अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उसके बाद सबने मिलकर उस दस्तरखान से सैर होकर खाया, लेकिन खाना फिर भी बचा दिया। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। जो बंदा इन दोनों में शक किए बगैर अल्लाह से मिलेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 139। अब्दुर्रहमान बिन यजीद इब्ने जाबिर ने कहा, मुझे उमैर बिन हानी ने हदीस सुनाई, उन्होंने कहा, मुझे जुनादा बिन अबी उमैया ने हदीस सुनाई, उन्होंने कहा, हमें उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है यानी उसका कोई शरीक नहीं और यकीनन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं और ईसा रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के बंदे उसकी बंदी के बेटे और उसका कलिमा है जिसे उसने मरियम की तरफ इल्का किया था और उसकी तरफ से अता की गई रूह है और ये कि जन्नत हक है और दोजख हक है। उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगा जन्नत में दाखिल कर देगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 140। उमैर बिन हानी से यानी अब्दुर्रहमान बिन यजीद इब्ने जाबिर के बजाय ओजाई के वास्ते से यही हदीस बयान की गई है, अलबत्ता उन्होंने इस तरह कहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा उसके अमल जैसे भी हों और उसे जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहेगा दाखिल कर देगा का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 141। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से
जुनादा बिन अबी उमैया के बजाय अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बिन उसैला सुनाबही ने रिवायत की। उन्होंने कहा, मैं हजरत उबादा रजी अल्लाह अन्हु की मौत के वक्त उनके पास हाजिर हुआ। मैं रोने लगा तो उन्होंने फरमाया, ठहरो, रोते क्यों हो? अल्लाह की कसम, अगर मुझसे गवाही मांगी गई तो मैं जरूर तुम्हारे हक में गवाही दूंगा, और अगर मुझे सिफारिश का मौका दिया गया तो मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तुम्हें नफा पहुंचाऊंगा। फिर कहा, अल्लाह की कसम, कोई ऐसी हदीस नहीं जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और उसमें तुम्हारी भलाई की कोई बात थी और वो मैंने तुम्हें न सुना दी हो, सिवाय एक हदीस के। आज जब मेरी जान कब्ज की जाने लगी है तो वो हदीस भी तुम्हें सुनाई देता हूं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने इस हकीकत की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 142। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस रिवायत की। कहा, मैं सवारी के एक जानवर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। मेरे और आपके दरमियान कजावे की पिछले हिस्से की लकड़ी जितनी जगह के सिवा कुछ न था। चुनाचे उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल। मैंने अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। आप कुछ देर चलते रहे, फिर फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल। मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। उसके बाद आप फिर घड़ी भर चलते रहे। उसके बाद फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल। मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। आपने फरमाया, क्या जानते हो कि बंदों पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का क्या हक है? कहा, मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा आगाह है। इरशाद फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक यह है कि उसकी बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें। फिर कुछ देर चलने के बाद फरमाया, ऐ मुआज बिन जबल। मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि जब बंदे अल्लाह का हक अदा करें तो फिर अल्लाह पर उनका क्या हक है? मैंने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि वो उन्हें अजाब न दे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 143। अमर बिन मैमून ने हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गधे पर सवार था जिसे उफैर कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज, जानते हो बंदों पर अल्लाह का क्या हक है और अल्लाह पर बंदों का क्या हक है? मैंने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक यह है कि वो उसकी बंदगी करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और अल्लाह पर बंदों का हक यह है कि जो बंदा उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराए, अल्लाह उसको अजाब न दे। कहा, मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को खुशखबरी न सुनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको खुशखबरी न सुनाओ, वरना वो इसी पर भरोसा कर लेंगे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 144। शोबा ने अबू हसीन और अशास बिन सुलाइम से हदीस सुनाई। उन दोनों ने अस्वद बिन हिलाल से सुना। वो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु से ये हदीस बयान करते थे कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज, क्या तुम जानते हो बंदों पर अल्लाह का क्या हक है? मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि अल्लाह की बंदगी की जाए और उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराया जाए। आपने पूछा, क्या जानते हो अगर वो बंदे ऐसा करें तो अल्लाह पर उनका क्या हक है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये
कि वो उन्हें अजाब न दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 145। ज़ाइदा बिन कुदामा ने अबू हसीन से, उन्होंने अस्वद बिन हिलाल से रिवायत की, उन्होंने कहा मैंने हजरत मुआज़ रजी अल्लाह अन्हु को यह बयान करते हुए सुना कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। मैंने आपको जवाब दिया तो आपने पूछा क्या जानते हो लोगों पर अल्लाह का हक क्या है? फिर उन साबिका रावियों की हदीस की तरह हदीस सुनाई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 146। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक जमात की सूरत में बैठे हुए थे। हमारे साथ हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठे और किसी तरफ चले गए। फिर आपने हमारी तरफ वापसी में बहुत ताखीर कर दी तो हम डर गए कि कहीं हमारे बगैर आपको कोई गजंद न पहुंचाई जाए। उस पर हम बहुत घबराए और आपकी तलाश में निकल खड़े हुए। सबसे पहले मैं ही घबराया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकला, यहां तक कि मैं अंसार के खानदान बनू नजार के चार दीवारी यानी फसील से घिरे हुए एक बाग तक पहुंचा और मैंने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया कि कहीं पर दरवाजा मिल जाए, लेकिन मुझे न मिला। अचानक पानी की एक गुजरगाह दिखाई दी जो बाहर के कुएं से बाग के अंदर जाती थी। रबी आपाशी की छोटी सी नहर को कहते हैं। मैं लुमड़ी की तरह सिमट कर दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। आपने पूछा अबू हुरैरा हो? मैंने अर्ज की जी हां ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया तुम्हें क्या मामला दरपेश है? मैंने अर्ज की आप हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे, फिर वहां से उठ गए, फिर आपने हमारी तरफ वापस आने में देर कर दी तो हमें खतरा लायक हुआ कि आप हमसे काट न दिए जाएं। उस पर हम घबरा गए। सबसे पहले मैं घबरा कर निकला तो इस बाग तक पहुंचा और इस तरह सिमट कर अंदर घुस आया हूं जिस तरह लुमड़ी सिमट कर घुसती है, और ये दूसरे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू हुरैरा, और मुझे अपने नालेन यानी जूते अदा किए और इरशाद फरमाया मेरे ये जूते ले जाओ और उस चार दीवारी की दूसरी तरफ तुम्हें जो भी ऐसा आदमी मिले जो दिल के पूरे यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हो उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। सबसे पहले मेरी मुलाकात उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्होंने कहा अबू हुरैरा तुम्हारे हाथ में ये जूते कैसे हैं? मैंने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक हैं। आपने मुझे ये नालैन यानी जूते देकर भेजा है कि जिस किसी को मिलूं जो दिल के यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हो उसे जन्नत की बशारत दे दूं। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मेरे सीने पर अपने हाथ से एक ज़र्ब लगाई जिससे मैं अपनी सुरीनों के बल गिर पड़ा और उन्होंने कहा ऐ अबू हुरैरा पीछे लौटो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस आलम में वापस आया कि मुझे रोना आ रहा था और उमर रजी अल्लाह अन्हु मेरे पीछे लगकर चलते आए तो अचानक मेरे अकब से नमुदार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा ऐ अबू हुरैरा तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज की मैं उमर से मिला और आपने मुझे जो पैगाम देकर भेजा था मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे सीने पर एक ज़र्ब लगाई है जिससे मैं अपनी सुरीनों के बल गिर पड़ा और मुझसे कहा कि पीछे लौटो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुमने जो किया उसका सबब क्या है? उन्होंने अर्ज की अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो क्या आपने अबू हुरैरा को इसलिए नालैन देकर भेजा था कि दिल के यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाले जिस किसी को मिले उसे जन्नत की बशारत दे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की तो ऐसा ना कीजिए, मुझे डर है कि लोग बस इसी शहादत पर भरोसा कर बैठेंगे, उन्हें छोड़ दें कि वो अमल करते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो उनको छोड़ दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 147। कतादा ने कहा
हमें हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु से जब वो पालान पर आपके पीछे सवार थे फरमाया, ऐ मुआज, उन्होंने अर्ज की, मैं बार बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मेरे नसीब रोशन हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ मुआज, उन्होंने अर्ज की, मैं बार बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, जहे नसीब। फिर आपने फरमाया, ऐ मुआज, उन्होंने अर्ज की, मैं हर बार हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मेरी खुशबख्ती। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं जो सच्चे दिल से शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, मगर अल्लाह ऐसे शख्स को दोज़ख पर हराम कर देता है। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को इसकी खबर न कर दूं ताकि वो सब खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। चुनाचे हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने कितमाने इल्म के गुनाह के खौफ से अपनी मौत के वक्त ये बात बताई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 148। सुलेमान बिन मुगीरा ने कहा, हमें साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे महमूद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत इतबान बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। महमूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं मदीने आया तो इतबान रजी अल्लाह अन्हु को मिला और मैंने कहा, एक हदीस मुझे आपके हवाले से पहुंची है। हजरत इतबान ने कहा, मेरी आंखों को कोई बीमारी लाहक हो गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे पास तशरीफ लाएं और मेरे घर में नमाज अदा फरमाएं ताकि मैं उसी जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना लूं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों में से जिनको अल्लाह ने चाहा तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए, आप नमाज पढ़ रहे थे और आपके साथी आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने ज्यादा और बड़ी बड़ी बातें मालिक बिन दुखशम के साथ जोड़ दी। वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक में बद्दुआ फरमाए और वो हलाक हो जाए, और उनकी ख्वाहिश थी कि उस पर कोई आफत आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और पूछा, क्या वो इस बात की गवाही नहीं देता कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं? सहाबा किराम ने जवाब दिया, वो जुबान से ये कहता है लेकिन उसके दिल में ये नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शख्स नहीं जो गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो फिर वो आग में दाखिल हो या आग उसे अपनी खुराक बना ले। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, यह हदीस मुझे बहुत अच्छी लगी यानी पसंद आई, तो मैंने अपने बेटे से कहा, इसे लिख लो। उसने यह हदीस लिख ली। सही मुस्लिम हदीस नंबर 149। हम्माद ने कहा, हमें साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे इतबान बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि वो नाबीना हो गए थे, इस वजह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि आप तशरीफ लाएं और मेरे लिए मस्जिद की जगह मुतायन कर दें ताकि मैं उसमें नमाज पढ़ सकूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन यानी इतबान रजी अल्लाह अन्हु की कौम के लोग भी आ गए। उनमें से एक आदमी जिसे मालिक बिन दुहैशिम कहा जाता था गायब रहा। उसके बाद हम्माद ने भी यानी साबित के दूसरे शागिर्द सुलेमान बिन मुगीरा की तरह रिवायत बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 150। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया जो अल्लाह के रब इस्लाम को दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर दिल से राजी हो गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 151।
सुलेमान बिन बिलाल ने अब्दुल्ला बिन दिनार से, उन्होंने अबू सालेह से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 152। सुहेल ने अब्दुल्ला बिन दिनार से, उन्होंने अबू सालेह से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ऊपर या 60 से ऊपर शोबे यानी अज्ज़ा हैं। सबसे अफजल जुज ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है और सबसे छोटा किसी अजियत देने वाली चीज को रास्ते से हटाना है और हया भी ईमान की शाखों में से एक है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 153। सुफियान बिन उयैना ने जुहरी से हदीस सुनाई, उन्होंने सालिम से और उन्होंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से सुना जो अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से मत रोको, हया ईमान में से है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 154। सुफियान बिन उयैना के बजाय मामर ने जोहरी से मस्कूरा बाला सनत के साथ खबर दी और कहा कि आप एक अंसारी के पास से गुजरे जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 155। अबू सवार बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को सुना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से खैर और भलाई ही हासिल होती है। उस पर बुशैर बिन काब ने कहा, हिकमत और दानाई की किताबों में लिखा हुआ है कि इस हया से वकार मिलता है और सुकून हासिल होता है। उस पर इमरान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुना रहा हूं और तू मुझे अपने सहीफों की बातें सुनाता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 156। हम्माद बिन जैद ने इसहाक बिन सुवैद से रिवायत की कि अबू कतादा यानी तमीम बिन नुज़ैर ने हदीस बयान की, कहा कि हम अपने साथियों समेत हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर थे। हम में बुशैर बिन काब भी मौजूद थे। उस रोज हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु ने हमें एक हदीस सुनाई, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया भलाई है पूरी की पूरी। उन्होंने कहा, ये अल्फाज फरमाए, हया पूरी की पूरी भलाई है। तो बुशैर बिन काब ने कहा, हमें किताबों या हिकमत के मजमुओं में यह बात मिलती है कि हया से इत्मीनान और अल्लाह के लिए वक़ार का इजहार होता है और उसकी एक किस्म ज़ईफ़ी यानी कमजोर है। हजरत इमरान रजी अल्लाह अन्हु सख्त गुस्से में आ गए, हत्ता कि उनकी आंखें सुर्ख हो गईं और फरमाने लगे, क्या मैं देख नहीं रहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुना रहा हूं और तुम उसमें मुकाबला कर रहे हो। अबू कतादा ने कहा, इमरान ने दोबारा हदीस सुनाई और बुशैर ने फिर वही कहा। उस पर इमरान सख्त गुस्से में आ गए। अबू कतादा ने कहा, तो हमने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, ए अबू नुजाइद यानी हजरत इमरान की कुन्नियत, ये हम में से मुसलमान और हदीस का तालिब है, इसके अकीदे में कोई ऐब या नक्स नहीं है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 157। नजर बिन शुमैल ने कहा, हमें अबू नआमा अदबी ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैंने हुजैर बिन रबी अदबी से सुना, वो कहते थे, इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की जिस तरह हम्माद बिन जैद की हदीस है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 158। अब्दुल्ला बिन नुमैर, जरीर और अबू उसामा ने हिशाम बिन उर्वा से हदीस सुनाई। उन्होंने अपने वालिद यानी उर्वा से और उन्होंने हजरत सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी पक्की बात बताइए कि
कि आपके बाद किसी से उसके बारे में सवाल करने की जरूरत न रहे। अबू उसामा की रिवायत में आपके बाद के बजाय आपके सिवा के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो आमंतु बिल्लाह, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर पक्के हो जाओ। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 159। लईस ने यजीद बिन अबी हबीब से, उन्होंने अबू खैर से, और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम लोगों को खाना खिलाओ और हर किसी को, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते, सलाम कहो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 160। अमर बिन हारिस ने यजीद बिन अबी हबीब से, उन्होंने अबू खैर से रिवायत की और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना। वो फरमा रहे थे, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुसलमानों में से बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जुबान और हाथ से दीगर मुसलमान अमन में हों। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 161। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 162। याहिया बिन साईर उमवी ने कहा, हमें अबू बुर्दा यानी बुरैद बिन अब्दुल्ला बिन अबी बुर्दा बिन अबी मूसा अशारी ने अबू बुर्दा से, और उन्होंने हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, कौन सा इस्लाम अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका इस्लाम जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 163। अबू उसामा ने कहा, हमें बुरैदा बिन अब्दुल्ला ने इसी सनद के साथ हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा मुसलमान अफजल है? उसके बाद साबिका हदीस के मानिंद जिक्र किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 164। अबू क़िलाबा ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में तीन बातें पाई जाएंगी वो उनके जरिए से ईमान की हलावत पा लेगा, जिसे अल्लाह और उसका रसूल बाकी हर किसी से बढ़कर महबूब हों, दूसरी ये कि जिस किसी से भी मोहब्बत करे अल्लाह ही के लिए करे, और तीसरी ये कि अल्लाह ने जब उसे कुफ्र से बचा लिया है तो वो दोबारा कुफ्र की तरफ पलटने से इस तरह नफरत करे जैसे इस बात से नफरत करता है कि उसे आग में डाल दिया जाए। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 163। कतादा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से हदीस बयान करते हैं, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जिसमें भी होंगी वो ईमान का जायका पा लेगा। नंबर एक, जो शख्स किसी इंसान से मोहब्बत करता है और अल्लाह के सिवा किसी और की खातिर उससे मोहब्बत नहीं करता। नंबर दो, जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी हर किसी से ज्यादा प्यारे हैं। नंबर तीन, और जब अल्लाह ने उसे कुफ्र से बचा लिया है तो आग में डाला जाना उसे कुफर में दोबारा लौटने से ज्यादा पसंद है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 166। साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह बयान किया जैसे साबिका राबियों ने बयान किया है, अलबत्ता उन्होंने ये अल्फाज कहे, उसको फिर से यहूदी या ईसाई हो जाने से आग में डाला जाना ज्यादा पसंद हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 167। इस्माहिन बिन उलैया और अब्दुल वारिस दोनों ने अब्दुल अजीज से, और उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा, और अब्दुल वारिस की हदीस में है कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके अहलो आयाल, माल और सब लोगों से ज्यादा महबूब न हूं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 168। कतादा ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसकी औलाद, उसके वालिद और तमाम इंसानों से बढ़कर महबूब न हूं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 169। शोभा ने कहा, मैंने कतादा को हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से हदीस बयान करते हुए सुना। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपने भाई के लिए या फरमाया अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 170। हुसैन मुअल्लिम ने कतादा से और उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने पड़ोसी के लिए या फरमाया अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 171। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ईज़ा रसानी से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 172। अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे या खामोश रहे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे, और जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 173। अबू हसीन ने अबू साले से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को ईजा न पहुंचाए, और जो शख्स अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की तकरीम करे, और जो शख्स अल्लाह और कयामत पर यकीन रखता है वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 174। आमश ने अबू साले से उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे अबू हुसैन की रिवायत के मानिंद है, अलबत्ता आमश ने वो अपने पड़ोसी को ईजा ना दे के बजाय ये अल्फाज कहे हैं, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 175। अबू शुरैह यानी खुवैलिद बिन आमर खुजाई रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है वो अपने मेहमान की तकरीम करे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोशी इख्तियार करे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 176। अबू बकर बिन अबी शाइबा ने कहा, हमें वकी ने सुफियान से हदीस सुनाई, नीज मोहम्मद बिन मुसन्ना ने कहा, हमें मोहम्मद बिन जाफर ने और उन्हें शोबा ने हदीस सुनाई। उन दोनों यानी सुफियान और शोबा ने कैस बिन मुस्लिम से और उन्होंने तारिक बिन शिहाब से रिवायत की। अल्फाज,
अबू बकर बिन अबी शैबा के हैं। तारिक बिन शिहाब ने कहा कि पहला शख्स जिसने ईद के दिन नमाज से पहले खुतबे का आगाज किया मरवान था। एक आदमी उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, नमाज खुतबे से पहले है? मरवान ने जवाब दिया, जो तरीका यहां पहले था वो तर्क कर दिया गया है। उस पर अबू सईद रजी अल्लाह अनु ने कहा, उस इंसान ने यानी जिसने सही बात कही थी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तुम में से जो शख्स मुनकर यानी नाकाबिल कबूल काम देखे उस पर लाजिम है कि उसे अपने हाथ यानी कुव्वत से बदल दे, और अगर उसकी ताकत न रखता हो तो अपनी जुबान से उसको बदले, और अगर उसकी भी ताकत न रखता हो तो अपने दिल से उसे बुरा समझे और उसके बदलने की मुस्बत तदबीर सोचे, और ये सबसे कमजोर ईमान है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 177। आमश ने इस्माइल बिन रजा से, उन्होंने अपने वालिद यानी रजा बिन रबिया से, और उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से, नीज आमश ने कैस बिन मुस्लिम से, उन्होंने तारिक बिन शिहाब से, और उन्होंने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवान का मस्कूरा बाला वाकया और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी उसी तरह बयान की जिस तरह शौबा और सुफियान ने बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 178। सालेह बिन कैसान ने हारिस बिन फुजैल से, उन्होंने जाफर बिन अब्दुल्ला बिन हकम से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन मिजवर से, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम अबू राफे से, और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे पहले किसी उम्मत में जितने भी नबी भेजे उनकी उम्मत में से उनके कुछ हवारी और साथी होते थे जो उनकी सुन्नत पर चलते और उनके हुक्म की इत्तबा करते थे, फिर ऐसा होता था कि उनके बाद नालायक लोग उनके जानशीन बन जाते थे। वो जुबान से ऐसी बातें कहते जिन पर खुद अमल नहीं करते थे और ऐसे काम करते थे जिनका उनको हुक्म न दिया गया था। चुनाचे जिसने इन जैसे लोगों के खिलाफ अपने दस्त बाजू से जिहाद किया वो मोमिन है, और जिसने उनके खिलाफ अपनी जुबान से जिहाद किया वो मोमिन है, और जिसने अपने दिल से उनके खिलाफ जिहाद किया वो भी मोमिन है, लेकिन उससे पीछे राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। अबू राफे ने कहा, मैंने ये हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को सुनाई तो वो उसको न माने। इत्तिफाक से अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी मदीने आ गए और वादी कना जो मदीने की वादी है उसमें ठहरे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने मुझे भी उनकी इयादत के लिए अपने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ चला गया। हम जब जाकर बैठ गए तो मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यह हदीस उसी तरह सुनाई जिस तरह मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को सुनाई थी। सालेह बिन कैसान ने कहा, यह हदीस अबू राफे से बराह रास्त भी इसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 179। हारिस बिन फुजैल खतमी से, साले बिन कैसान के बजाय अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद की सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अबू राफी से रिवायत है। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी नबी गुजरा है उसके साथ कुछ हवारी थे जो उस नबी के नमूना जिंदगी को अपनाते और उसकी सुन्नत की पैरवी करते थे। सालेह की रिवायत की तरह, लेकिन अब्दुल अजीज ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की आमद और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से उनकी मुलाकात का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 180। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से यमन की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो ईमान उधर है, और शकावत और संगदिली ऊंटों की दुमों की जड़ों के पास चीखने वालों रबिया और मुजर में है, जिसकी तरफ से शैतान के दो सींग नमुदार होते हैं।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 181। अय्यूब ने कहा हमें मोहम्मद इब्न सिरिन ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले यमन आए हैं, ये लोग बहुत ज्यादा नर्म दिल हैं, ईमान यमनी है, फिक यमनी है और दानाई भी यमनी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 182। अब्दुल्ला बिन आउन ने मोहम्मद बिन सिरिन से उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी पिछली हदीस के मानिंद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 183। सालेह ने आरज से रिवायत की। उन्होंने कहा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास यमनी लोग आए हैं, वो ज्यादा कमजोर दिल और सीनों में ज्यादा रिक्कत रखने वाले हैं, फिक यमनी है और हिकमत भी यमनी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 184। अबू जिनाद ने आरज से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफर की रियासत मशरिक की तरफ है, फखरो तकब्बुर घोड़ों और ऊंटों वालों में है, यानी जो ऊंची आवाज में चिल्लाने वाले और ऊन के खैमों में रहने वाले हैं और इत्मीनान और सुकून बकरियां पालने वालों में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 185। अला बिन अब्दुर्रहमान अल-जुहनी ने अपने वालिद से उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान यमन से है, कुफर मशरिक की तरफ है, सुकून और इत्मीनान भेड़ बकरियां पालने वालों में और फख्र और रिया शोर शराबे के आदि घोड़े पालने वालों और ऊनी खैमों के बासी चिल्लाने वालों में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 186। यूनुस ने इब्ने शिहाब से रिवायत की। उन्होंने कहा मुझे अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना फख्र और तकब्बुर चिल्लाकर बोलने वाले खैमों के बासियों में है और इत्मीनान और सुकून भेड़ बकरी वालों में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 187। शुआइब ने जोहरी से इसी सनद के साथ यही रिवायत की और आखिर में ये इजाफा किया ईमान यमनी है और हिकमत भी यमनी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 188। सईद बिन मुसैयब ने हदीस बयान की कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना अहले यमन आए हैं, इनके दिल दूसरों से ज्यादा नर्म है और मिजाजों में ज्यादा रिक्कत है, ईमान यमनी है और हिकमत भी यमनी है, सुकून भेड़ बकरियां पालने वालों में है और फख्र और तकब्बुर ऊनी खैमों के बासे चीखने चिल्लाने वाले लोगों में जो सूरज तुलू होने की समत में रहते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 189। अबू मुआविया ने आमश से हदीस सुनाई। उन्होंने अबू सालेह से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास अहले यमन आए हैं, वो दिलों के ज्यादा नर्म और मिजाजों में ज्यादा रिक्कत रखने वाले हैं, ईमान यमनी है, हिकमत भी यमन से है और कुफर का मरकज मशरिक की तरफ है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 190। जरीर ने आमश से इसी सनद के साथ हदीस बयान की लेकिन उसने कुफर का मरकज मशरिक की तरफ है के अल्फाज जिक्र नहीं किए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 191। शोबा ने आमश से साबका सनद के साथ जरीर की तरह हदीस सुनाई और ये अल्फाज जायद बयान किए कि गुरूर और घमंड ऊंट वालों में और सुकून और वकार भेड़ बकरी पालने वालों में है। सही मुस्लिम
हदीस नंबर 192। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों की सख्ती और जफा यानी अखड़पन मशरिक में है और ईमान अहले हिजाज में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 193। अबू मुआविया और वकी ने आमश से हदीस सुनाई, उन्होंने अबू साले से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहां तक कि तुम मोमिन हो जाओ, और तुम मोमिन नहीं हो सकते यहां तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जब तुम उस पर अमल करो तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगो, आपस में सलाम आम करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 194। अबू मुआविया और वकीय के बजाय जरीर ने आमज से उनकी इसी सनद से हदीस सुनाई, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जब तक ईमान नहीं लाओगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे, जिस तरह अबू मुआविया और वकी की हदीस है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 195। सुफियान बिन उयाइना ने कहा, मैंने सुहेल से कहा कि अमर ने हमें काका के वास्ते से आपके वाली से हदीस सुनाई। सुफियान ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे खुद रिवायत सुनाकर एक रावी कम कर देगा, चुनाचे सुहेल ने कहा, मैंने उसी से ये रिवायत सुनी जिससे मेरे वाले ने सुनी, वो शाम में उनका दोस्त था। मोहम्मद बिन अब्बाद ने कहा, फिर सुफियान ने हमें सुहेल के वास्ते से अता बिन यजीद की हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत सुनाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन खैर खाही का नाम है। हम यानी सहाबा ने पूछा, किसकी खैर खाही? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल की, मुसलमानों के अमीरों की और आम मुसलमानों की खैर खाही। सही मुस्लिम हदीस नंबर 196। सुफियान सौरी ने सुहेल बिन अबी साले से, उन्होंने अता बिन यजीद लैसी से, उन्होंने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबका हदीस के मानिंद रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 197। हमें रौह बिन कासिम ने हदीस सुनाई, कहा हमें सुहेल ने अता से उस वक्त सुनकर रिवायत की जब वो अबू साले को हदीस बयान कर रहे थे, कहा तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, उसी साबिका हदीस के मानिंद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 198। कैस बिन अबी हाजिम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, जकात अदा करने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 199। ज़ियाद बिन इलाका कूफी से रिवायत है, उन्होंने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कह रहे थे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 200।